हाय एवरीवन, कुक विद अनु में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक एगलेस केक की रेसिपी, जिसे मैंने मिल्क पाउडर और मैदा के साथ बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम एक भारी बर्तन। हम कढ़ाई भी ले सकते हैं, लेकिन याद रहे कि वो बर्तन भारी हो, मतलब हल्का सा ना हो। फिर उसमें डालेंगे नमक, नमक को हम ऐसे स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें रखेंगे एक स्टैंड। अब इसे लो फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए रखेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट तक। ऐसे इसे ढक देंगे एक बड़े से बर्तन से, और अब ये प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। केक बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे मैदा। ये मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है, मतलब हाफ केजी। अब हम इसे ऐसे स्ट्रेनर से छान लेंगे, ऐसे एक बड़ी सी छलनी रखेंगे और उसमें छानेंगे। जिस बर्तन में हमने मैदा लिया था, उसी बर्तन में हम लेंगे 3/4 कप चीनी, मतलब हमें हाफ भी ले सकते हैं अगर आप कम मीठा पसंद करते हो, और ना 3/4 कप तो लेनी ही है। इसे भी हम ऐसे छान लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को भी हम ऐसे छान लेंगे। मिल्क पाउडर के बाद हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। ये मैंने एक बड़ी चम्मच बेकिंग सोडा लिया है, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग सोडा है, या आधी चम्मच बेकिंग सोडा। इसे भी हम ऐसे छान लेंगे और इन सबको ऐसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे दूध, दूध डालने के बाद हम इसे एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल आराम से मिक्स करेंगे। इसमें दूध मिक्स कर हमने इसे का अच्छा सा एक बैटर बना लिया है। देखिए, ये ऐसा होना चाहिए, ना तो ज्यादा पतला और ना ज्यादा गाढ़ा, ना तो हमें थिक चाहिए और ना ही ज्यादा पतला चाहिए, क्योंकि उससे हमारा केक बिगड़ सकता है। तो हमें बिल्कुल ऐसा बैटर चाहिए, और हमें ना इसे एक ही डायरेक्शन में ऐसे घुमाते हुए मिक्स करना है। कट और फोल्ड मेथड से हम इसे कर सकते हैं इस तरह से। अब हम इसमें मिक्स करेंगे
थोड़ी सी किशमिश, थोड़ी सी जेली, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, वनीला सेंस, घी। ये सारी चीज डालकर हम इसे अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे इसी तरह से। अब मैं लूंगी एक बर्तन, आप इसकी जगह केक टिन भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास केक टिन छोटी है और मुझे केक बनाना है बड़ा, तो मैं ये लूंगी बड़ा बर्तन। ये है कुकिंग ऑयल, इससे हम इसे अच्छे से ग्रीस करेंगे, ऐसे सेंटर में और साइड्स में बिल्कुल अच्छे से ग्रीस करना है, नहीं तो हमारा केक चिपक जाएगा और अच्छे से निकलेगा नहीं। अब अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो लगा सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैं ये सिंपल जो शीट होती है उसको हम इसके साइज का काट के और वो भी इसमें लगा सकते हैं। और अगर आप ये भी ना लगाना चाहे तो आप सिंपल मैदा लेकर उसकी डस्टिंग कर उसे भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं लगा दूंगी थोड़ा ऑयल। शीट को भी हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है, ये शीट भी हमारे लिए ना बिल्कुल बटर पेपर का ही काम करेगी, तो आप इसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं इसमें डालूंगी हमारा केक का बैटर, बैटर डालने के बाद हम इसे दो बार ऐसे टैप कर लेंगे ताकि इसमें जितने भी एयर बबल्स हों वो फूट जाएं, इस तरह से। अब हमारा केक हम बेकिंग के लिए रखेंगे, ये बर्तन पहले से ही बहुत अच्छे से प्री हीट हो गया है, इसमें से बहुत ही ज़्यादा हीट आ रही है। अब हम इसमें रख देंगे हमारा केक का बैटर, बहुत ही सावधानी से हमें इसे रखना है क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब हम इसे ढक देंगे, अब 40 टू 45 मिनट्स तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे। बीच बीच में हमें इसे 20 से 25 मिनट के बाद हमें इसे चेक कर लेना है। और चलो अब केक को बेक होते हुए करीब 40 से 45 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक करेंगे। वैसे मैंने इसे बीच में भी चेक कर लिया था, ये देखिए। अब हमें करना ये है कि हम लेंगे एक टूथपिक, अगर आपके पास भी टूथपिक ना हो तो मेरी तरह ऐसी एक स्टिक ले लेना और हम उसे केक के सेंटर में डालकर ऐसे चेक करेंगे। ये देखिए बिल्कुल साफ आई है, इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं चिपका है, तो इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और हम इसे यहीं से इसी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। अब मैं इस पर एक प्लेट रखकर इसे वापस से ऐसे सीधा कर लूंगी इस तरह से, देखिए एकदम परफेक्ट स्पॉन्जी केक है। अब मैं एक नाइफ की मदद से इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कट कर दूंगी,
अब मैंने ऐसे ऊपर की लेयर कट कर दी है थोड़ी सी। अब हम लेंगे एक फोक कांटा और इससे इसमें इस तरह से होल कर देंगे। मैंने कांटे से पूरे केक में छेद कर लिए हैं। अब ये जो मैंने रबड़ी बनाई थी, ये देखिए, ये मैंने मिल्क पाउडर से इंस्टेंट रबड़ी बनाई है, या फिर आप इसे मलाई भी बोल सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मैं आप सबके साथ बहुत जल्दी ही शेयर करूंगी। अब हम इसे केक के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। स्पून की हेल्प से भी इसे स्प्रेड कर सकते हैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, ये इस तरह से इस पे जाएगी पूरे केक पर। अब मैंने पूरी मलाई इस पे ऐसे डाल दी है, ये देखिए। अब हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये जो मलाई है ये इस पे अच्छी तरह से सेट हो जाए, उसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो केक को हमने फ्रिज से निकाल लिया है, इसे हमने 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। अब ये बिल्कुल से सेट हो गया है, इस पे जो ये क्रीम डाली थी हमने एकदम सेट हो गई है। आइए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए केक कितना स्मूथली कट रहा है। ये देखिए, ये कितना स्पॉन्जी है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।